एबीपीएस न्यूज सच का साथी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह के नेतृत्व में लखनऊ इको गार्डन, अलीगढ़, मेरठ, आगरा मंडल के कर्मचारियों ने क्रमिक अनशन 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक माह से किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। संघ के प्रदेश महामंत्री रविंद्र कुमार ने आए हुए कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को भाजपा की सरकार पूरा नहीं करेगी तो हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करके इस पर अन्य जनपदों के लोग उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से अध्यक्ष मुकेश मल्होत्रा, गुड्डू चौहान, रवि बघेल, चंद्रपाल सिंह, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, अन्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मीडिया प्रभारी संदीप भारती ने अपनी मांगों को विस्तार से बताया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी का अनशन चल रहा है, किन किन मुद्दों पर चल रहा है और सरकार पर क्या कहना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष, मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। हम अपनी मांगों को लेकर के लगभग विगत 1.5 साल से लड़ रहे हैं और दो बार वार्ता मंत्री से हो चुकी है, प्रमुख सचिव से हो चुकी है। एक बार 1 फरवरी को हम लोगों ने पूरे प्रदेश को लेकर के धरने के लिए नोटिस दिया था, हम तैयारी किए हुए थे धरने के लिए। गोरखपुर में जाकर के हमारे मंत्री श्री भूपेन्द्र चौधरी जी ने हमसे समझौता किया था कि आप धरना न करिए, मैं आपकी जो मांग है उसको मैं पूरा करूँगा। उनके कहने पर मैंने 1 फरवरी को धरना नहीं किया, लेकिन आज तक हमारी एक भी मांगें पूरी नहीं हुई। मजबूर होकर के मैंने सरकार को नोटिस दिया। 5 अक्टूबर को हमने जिले स्तर पर धरना किया और उस नोटिस में मैंने दिया था कि हमारी मांग नहीं पूरी की गई तो 23 अक्टूबर से मैं लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना करूँ। जो धरना हमारा ये अनिश्चितकालीन चल रहा है, इसमें हम मंडल वाइज अपने कर्मचारियों को बुला रहे हैं, 3-3 मंडल हमारा आ रहा है, हम डेली अनवरत धरना चलाएंगे। हमारी मांग है जो जन्मी मांग है, जो सरकार ने समझौता किया था काफी मांग को पूरा किया, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया। हमारी पहली मांग है पंचायत विभाग के सफाई कर्मचारियों का नाम परिवर्तित किया, जैसे हमारे कर्मचारियों से सारा काम लिया जाता है, वो डली से बनवाई जाती है, बिल्डों को काम दिया जाता है, सर्वे कराया जाता है, जो भी काम है वो लिया जाता है, सफाई का काम वो करते ही है। लेकिन जब मैंने ये कहा कि जब हमसे सारा काम आप ले रहे हैं तो मेरा नाम भी परिवर्तित कर दीजिए, पंचायत सेवक कर दीजिए, जैसे हम ग्राम पंचायतों में जो भी सेवा करनी है वो हम करेंगे। परिवर्तन, नाम परिवर्तन भी नहीं हुआ, उसमें व्यवस्था है हमारे विभाग में 100% ग्राम पंचायत अधिकारी एडीओ पंचायत बनते हैं, 50% एडीओ पंचायत डीपीआरओ बनते हैं और हमारे सफाई कर्मचारी 10 साल हो गया नियुक्त हुए, किसी को कोई प्रमोशन नहीं दिया गया। इस सरकार में, इस देश में ये दोहरी नीति कब तक चले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम मजबूर हैं कि अपनी मांगों को, जनी मांगों को लेकर के हम सरकार से लड़ेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करेगी तो हम ये कर्मी पेंशन चलाएंगे, उसके बाद मांग नहीं मानी गई तो फिर मैं अगली रणनीति बना करके आप लोगों को वापस करूँगा। क्या इससे पहले हमने किसी को लेटर जारी किया मंत्री वगैरह? जी, मैंने अपना मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके मंदिर में प्रभुण करके, क्योंकि मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूँ, अपने मांग पत्र को दिया था। उन्होंने कहा था ठीक है, मैं आपकी बातों पर विचार करके आप मांगों को पूरा करूँगा। माननीय मंत्री भूपेन्द्र चौधरी जी को भी अपनी मांगों को मैंने उनको दिया था, प्रमुख सचिव पंचायती राज को भी अपनी मांगों को मैंने उनको दिया था, उन सारे लोगों ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं की। अगर प्रशासन नहीं मान रहा है और क्या करने का प्लान, अगर नहीं आपकी मांगे पूरी की जा रही है तो आप क्या करेंगे? अभी तो हम एक अनुशासित कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं, मंडल वाइज धरना कर रहे हैं, बाकी जो मंडल हैं जिले पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे कर्मी संघ में कोई वार्ता नहीं हुई, कोई शासनादेश नहीं जारी हुआ तो पूरे प्रदेश में हम सफाई कर्मचारियों को सफाई काम से विरोध करेंगे, वो कर्मचारी काम नहीं। क्या इसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा? निश्चित दिखेगा, क्योंकि हम 1 लाख कर्मचारी हैं, 1,08,848 कर्मचारी हैं और हम ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम गाँव में जाकर के सफाई करते हैं, हम हर गांव में हर व्यक्ति से मिलते हैं, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, बच्चों से भी मिल करके अपनी बात कहते हैं, तो निश्चित है कि जब हम नाराज रहेंगे, हम अपनी बात को
जनता के बीच में रखेंगे निश्चित है उसका असर लोकसभा 2019 लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। इस तरह आपने इसमें लिखा हुआ है कि पेरोल पे रखा गया है। नहीं, पेरोल पर रखा नहीं गया, मैंने ये लिखा है कि पेरोल व्यवस्था समाप्त। पेरोल आपसे बता दें, उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक व्यक्ति से, किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक व्यक्ति से पेरोल नहीं लिया जाता, लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारी को धान द्वारा पेरोल मांगा जाता है। हम 100% जो राज्य कर्मचारी हैं सब कुछ हमको मिलता है, लेकिन ये पेरोल व्यवस्था ला दी गई है अलग से। इस व्यवस्था को हम कहते हैं कि समाप्त किया जाए। जब किसी भी कर्मचारी को नहीं लागू किया जाता है पेरोल लेने की, पेरोल देने की, तो हमको क्यों रखा गया।